हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आर डूइंग वेल तो आज का जो मेरा हॉल है वो है मिंत्रा बॉटम वेयर हॉल तो इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी वो है प्लाजो स्कर्ट्स ट्राउजर्स ग्लोटोस और जितना भी होगा वन थाउजेंड के अंदर का ही बजट है क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पॉकेट मनी के हिसाब से मुझे शॉपिंग करनी थी दूसरा आपका ये जो हॉल है उसमें मैं जो भी चीज़ें दिखाऊंगी वो मैं पहन के सीधा दिखाती हूँ जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा जो लोग जानते हैं उन्हें पता ही है मेरा तरीका तो जो लोग नए हैं उनके लिए कि जो भी चीज़ें मैं पहन के दिखाऊंगी और जो भी डिटेल्स होती हैं ऑन स्क्रीन होती हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी माय हॉल के नाम से मेरा एक लिंक होगा उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप वो क्लिक करोगे आपको सारे प्रोडक्ट वहीं मिलेंगे उसके थ्रू आप अपना साइट पे जा सकते हो एक बार क्लिक करके आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक शेयर कमेंट करना है अगर पसंद आता है जिससे मेरे आगे वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट की तरफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा टील ब्लू कलर का प्लाजो का सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी इसमें दो पॉकेट्स भी हैं हाँ इतना फ्लेयरी नहीं है सही है लेकिन ये इस पे यही स्टाइल सूट कर रहा है अगर ज़्यादा फ्लेरी होता तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है हर चीज़ का ये इतना ही तो इसलिए मैंने इसको टी शर्ट के साथ पेयर किया है और जहाँ तक ये मिड राइस है तो ये ना बिल्कुल हाई वेस्ट है ना ये लो वेस्ट है ये बीच वाला हिसाब है इसका पीचेस में इलास्टिकेटेड वेस्ट पेंट दे रखी है और इसका जो मटेरियल है वो है पॉलीएस्टर काफ़ी प्यारा कपड़ा है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है आप इसीलिए पहन सकते हो कोई मतलब डर की बात नहीं है दूसरा इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी सही है और इसका स्टाइल भी मुझे काफ़ी पसंद आया हाँ बस इतना है कि जो ओरिजिनल में इसका कलर दे रखा था उससे डिफरेंट कलर है ये जो आया है पर मुझे यही कलर बेस्ट लगा तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ आते हैं मेरे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जो है ये बहुत ही प्यारा सा प्लाजो जैसे कि मॉडल पे दिखा रखा है थोड़ा ऊंचा सा है इतना ऊंचा तो मुझे नहीं लगा मेरी हाइट फाइव सिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सही लगा हाँ इत... बिल्कुल एंकल पे आके ख़त्म हो रहा है दूसरा इसमें पीछे इलास्टिकेटेड वेस्ट पेंट है और इसमें भी पॉकेट्स दे रखी हैं और जो इसका मटेरियल है वो है विस्कोस रेन और ये कपड़ा काफ़ी प्यारा होता है इसमें अंदर लाइनिंग भी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सबसे अच्छा लगा था मुझे इसका मोव कलर और इसका फ्लोरल प्रिंट काफ़ी प्यारा है यार दूसरे मैंने इसको एक शर्ट के साथ पेयर किया जो अपने आप में थोड़ी शाइनिंग है इस शर्ट में ये शर्ट मैंने शीन से ली थी तो मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी और मैं इस प्लाजो को हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे ये तो आप ले सकते हो तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो है बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र ये चेक वाला ट्राउज़र है ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन है मेन बेस कलर ब्लैक ऊपर वाइट कलर का जो लाइनिंग दे रखी है चेक वाली वो बहुत ही प्यारी है मैंने इसको एक नॉर्मल अंदर एक स्पैगेटी पहनी है और ऊपर वाइट कलर के ब्लेजर के साथ पेयर किया है आप इसको नॉर्मल किसी क्रॉप टी शर्ट मतलब क्रॉप टॉप के साथ और टी शर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हैं दूसरा इसका जो मटेरियल है वो है आपका पॉलीएस्टर लेकिन तब भी बहुत ही अच्छा है ये कंफर्टेबल था एक तो ये इस तरह के ना मुझे पैटर्न अच्छा लगता है कि है हुक भी दे रखा है पीछे आपका इलास्टिक दे रखी है आराम से पहनने के ना आप आराम से, से वेयर कर सकते हो तो मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको ले सकते हो तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो है बहुत ही प्रिटिशा प्लाजो क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन जो है ना ब्लू और ग्रीन का मुझे काफ़ी पसंद आया था दूसरा इसका जो मटेरियल है वो है जॉर्जर्ट जॉर्जर्ट थोड़ा सा हैवी उसमें जाता है मतलब ये मुझे हल्का सा हैवी लग रहा है प्लाजो जब मैंने पहना था ये दूसरा इसका जो एक फॉल होता है ना थोड़ा सा अलग तरीके का होता है और बहुत ओपीक है इसमें कुछ भी मतलब विजिबल नहीं होगा अंदर और इसका जो प्रिंट है और इसका जो कलर्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो मैंने इसे इसी वजह से ब्लू कलर की शर्ट के साथ पेयर किया है शर्ट का लिंक मत मांगना लोकल मार्केट से दी थी दूसरा आप भी किसी ब्लू कलर की चीज़ के साथ ही इसको पेयर कर सकते हैं और इसका फ्लेयर इतना प्यारा है ना तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ कि इसके प्राइस में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा वर्दी लगा एंड आपको इसको सिर्फ ड्राई क्लीन ही करना है तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है ये मस्टर्ड मुझे मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसे वाइट शर्ट के साथ पेयर किया तो मेरा तो दिल आ गया था इस पर दूसरा इसका जो पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है फोर पॉकेट्स हैं इसमें दो पीछे और दो एक साइड में लेफ्ट और एक राइट साइड में दूसरा इसका फैब्रिक पॉलीस्टर है बहुत ही प्यारा है ओपेक है ये भी इसमें भी कुछ विजिबल नहीं है और इसकी जो फिटिंग है आई थिंक मैंने इसे ट्वेंटी एट साइज़ में मंगाया है तो इसकी फ़िटिंग भी काफ़ी अच्छी है ट्वेंटी एट के हिसाब से इनकेस आपको थोड़ा सा रूस चाहिए और तो आप इसमें थर्टी मंगा सकते हो अगर आपका मतलब बैली फैट थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी इसका पैटर्न वगैरह बहुत अच्छा है हाई राइज है एक तो ये तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि मतलब मुझे काफ़ी प्यारा लगा और इसका जो नीचे से एक फ्लेयर है ना वो भी काफ़ी प्यारा है ऊपर से जो लूज सा पैटर्न आ रहा है मतलब ओवरऑल मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ एंड इसमें साइड में भी चैन दे रखी है तो आप इसे ईजिली वेयर कर सकते हो तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो है ये बहुत ही प्यारा सा प्लाज़ो पिंक कलर का एक तो उस पर ये येलो कलर का डिज़ाइन है पोलका डॉट वाला इसीलिए मैंने इसे येलो कलर की शर्ट के साथ पेयर किया है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्लाज़ो में नीचे थोड़ी सी बॉर्डर भी दे रखा है और इसका जो मटेरियल है वो है विस्कोस रेयन तो काफ़ी प्यारा मटेरियल है मैंने इसका एक नंबर थोड़ा बड़ा मंगाया था क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने छोटा साइज़ मंगाया था शायद ही ट्वेंटी सिक्स तो मैंने अपना प्रॉपर साइज़ मंगाया वो मुझे अच्छा लगा पोरका डॉट नहीं है फिर वो दे रखे हैं फूल दे रखे हैं मैंने अब देखा दूसरा शर्ट जो है वो इसका लिंक मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया था मैं इस प्लाजो को हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा मस्टर्ड येलो कलर का हाई रेस्ट ट्राउज़र एक्चुअली इसका जो कलर है जो मैंने एक ट्राउज़र आपको पहले दिखाया है लगभग सेम ही है और मैंने इसका कलर वो सोचा था जो इमेज में आपको दिख रहा है पर इतना ब्राइट नहीं आया ये बिल्कुल थोड़ा सा डल की तरफ आया है पर पैटर्न वाइज ये अच्छा है इसमें बेल्ट भी आई है सीखी दूसरा इसमें आगे बटन दे रखा है और मैंने इसको ट्यूब टॉप के साथ पेयर किया है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये कॉम्बिनेशन और मेरे पास इसके नीचे पहनने के लिए अभी तक वैसे भी कुछ था नहीं दूसरा इसका जो पैटर्न है वो अच्छा लगा तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इसके लिए जा सकते हो आप इसे टी शर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हो कोई वैसा टॉप हो आपका स्लीव्स वाला वो भी है क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना थोड़ा सा हाई राइज है तो ये काफ़ी स्मार्ट है और एंड या इसमें दो पॉकेट्स भी हैं और ये मसिन वॉश है तो आप इसको ले सकते हो तो आते हैं मेरी नेक्स्ट स्कर्ट पे वो बहुत ही प्यारी स्कर्ट है मैक्सी स्कर्ट जैसे आपको उसमें दिख रही है ना पिक में ये बिल्कुल वैसी ही है थोड़ा सा मेरा पर्दा जो कर्टन का कलर है वो डार्क है तो इसलिए इतना हाईलाइट नहीं हो रही दूसरा इसका अंदर लाइनिंग दे रखी है इसका कपड़ा जो है हंड्रेड परसेंट पॉलिस्टर है लेकिन काफी प्यारी स्कर्ट है आप पास से देख सकते हो उसमें छोटी 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 प्लेट्स दे रखी है बहुत ही पतली पतली और ये हाई वेस्ट आप बांध सकते मतलब पहन सकते हो तो ये सबसे अच्छी बात है मैंने इसे शर्ट के साथ पेयर किया आप इसको किसी भी लाइट कलर के टॉप के साथ भी पहनोगे ना मतलब ये किसी भी चीज़ के साथ जाएगी ओवरऑल आप कुछ भी पहन सकते हो उस पर बहुत अच्छी स्कर्ट है नीचे हील्स डालो एंड यू आर गुड टू गो तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो है बहुत ही प्यारा सा ऑलिव ग्रीन कलर का क्लूटोस काफ़ी प्यारा है ये और किसी की शॉर्ट हाइट है तो उसे तो नीचे तक आएगा तो वो टूटोज ले सकते हैं मतलब अच्छा ऑप्शन होता है लोगों के लिए अगर उनको प्लाजो लंबे रहते हैं या ट्राउज़र लंबे रहते हैं दूसरा इसमें दो पॉकेट पीछे दो पॉकेट आगे और बेल्ट इसकी अपने आप आई है इसमें फ्रिल भी दे रखी है आपने देखा होगा ऊपर तो ये अच्छा है इसमें जो डिज़ाइन है और इसका जो फैब्रिक है वो है हंड्रेड परसेंट पॉलीस्टर तो ये तब भी काफ़ी अच्छा है विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी आप एक नंबर लूज भी ले सकते हो जैसे कि मेरा लास्ट प्रोडक्ट है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आगे और कलेक्शन देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट कीजिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय टेक केयर